भगवान, सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं? ये ठीक से मिक्स हुआ भी है या नहीं? मेहर को पसंद आएगा या नहीं? ये भगवान, फिर से तुम्हारा ये पैनिक शुरू हो गया। तुम ना हर बात में मलाई का पहाड़ बना देती हो। मलाई नहीं माँ, राई। हाँ वो वही वही। अरे पर तुम मुहावरे को छोड़, उसके अर्थ को पकड़। पकड़ो। हाँ। और ये केक इसे पसंद क्यों नहीं आएगा? हाँ? अरे इतनी मेहनत से जो तुम्हें बनाया, जरूर पसंद आएगा। माँ ये मैं करूँ? ऐसे गोल गोल घुमाने में बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, तुम ये घुमाओ, मैं पूरिया घुमा के आती हूँ। मतलब तल के आती हूँ। हे भगवान, आलू के लिए सब्जी उबालनी है, आटे के लिए पूरी गूंदनी है। इसे कितना भी समझाओ पर ये जहाँ थे वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ नहीं माँ, वही की वही। हाँ वो वही वही। बना रहे केक हम खास बालवीर के लिए, और बिगाड़ने जा रहे थे केक, तुम इसमें गिर के अटकाती परी, शुक्रिया इसे बचाने के लिए। शुक्रिया अटकाती परी। नटखट परी, केक बनने की सारी विधि ठीक से चल रही है ना? हाँ बाल परी, अभी तक तो सास सचों के परिवार ने बस इतना ही किया है। आप देखना जैसा केक पृथ्वी लोक पे बनेगा ना, बिल्कुल वैसा ही केक हमारे परी लोक पे भी बनेगा। उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है उस सब पे मेरी पूरी नजर है। बल्लू बेटा, इसमें ये दो तीन बूंदे डाल देना। क्या है माँ? एसेंस। एसेंस मतलब खुशबू। ये इसमें डालने से इसमें खुशबू आ जाएगी, ठीक है? लेकिन हाँ, दो तीन बूंदे ही, ज्यादा नहीं। अभी बालवीर यहाँ होता तो ये केक बनता हुआ देखकर वो कितना खुश हो जाता। बालवीर, तुम अभी क्यों आ गए? तुम्हारा जन्मदिन तो हम रात को मनाएंगे, तुम तभी आना, अभी जाओ। मैं अपने आप नहीं आया हूँ, माँ ने बुलाया होगा मुझे। माँ मुझे बार बार ऐसे बुलाया मत करिए, नीचे पृथ्वी लोक पे परेशानी हो जाती है। अब हम क्या करें? आपको बुलाना या नहीं बुलाना हमारे वश में थोड़ी ना है। माँ का दिल है तो याद तो करेगा ही ना। माँ ये क्या है? ये परीलोक का केक है। बाल परी तुम्हारे लिए केक बना रही है, और वो भी बिना जादू के। अरे वाह माँ, आज मैं दो दो केक काटूंगा और उसे मजे से खाऊंगा। हाँ बहुत मजा आएगा। बालवीर, है ये क्या आपके हाथ में? अगर है ये कोई मीठा पेय पृथ्वीलोक का तो दीजिए हमें, चखेंगे हम इसको। नहीं नहीं डुबा डुबाई, ये कोई प्रिय पे नहीं है, इसे केक में डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह, इसी खुशबू की तो कमी थी। अच्छा तो दीजिए ना हमें। अरे दीजिए। अरे नहीं दीजिए। डुबा डुबाई। अरे वाह वाह वाह, है ये कितनी अच्छी खुशबू, आएगा मजा केक खाने का। ये लीजिए आपकी शीशी। माँ मैं चलता हूँ, खुश रहो। माँ खुश रहो बालवीर। बल्लू बेटा, बल्लू कहाँ गया? बल्लू मैं यहाँ हूँ माँ। अरे कहाँ चले गए थे तुम? तुमने एसेंस डाल दिया ना? हाँ ठीक है। ये क्या, पूरी की पूरी बोतल? अरे मैंने दो तीन बूंदे डालने के लिए कहा था बेटा, अब ये लोग केक खाएंगे कम और सूंघेंगे ज्यादा। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, तुमने वाकई में पूरी की पूरी बोतल डाल दी थी। वो लगता है एसेंस में पानी की मिलावट ज्यादा होगी इसलिए इसमें कुछ असर नहीं हुआ। चलो मिलावट का कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा बेटा तुम एक काम करो, तुम बाकी के काम निपटा लो, तब तक मैं ये केक बना लेती हूँ। माँ मैं कुछ मदद करूँ? नहीं बेटा,
बच्चों के लिए बर्थडे का केक बनाने में माँ को जितनी खुशी मिलती है ना, उतनी खुशी किसी और चीज में नहीं मिलती है। ठीक है, सब माँ एक जैसी होती। क्या? कुछ नहीं। तौबा तौबा, ये लो लगाओ फोन उन बच्चों को और बुलाओ उन्हें एक एक करके। कैसा है मोबाइल? ये तो सचमुच स्पेशल मोबाइल है, ऐसा मोबाइल तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ लेकिन गिरा मत देना। हाँ पापा नहीं गिराऊंगा। मेरे मम्मी और पापा बहुत खुश होंगे जब मैं उन्हें यह जीता हुआ मोबाइल बताऊंगा। आई एम रियली हैप्पी। चॉकलेट पिज्जा आइसक्रीम केक बर्गर के बाहर कोल्ड ड्रिंक्स के लिए ये सब भयानक लोक में आके दे। हंसना बंद करो और दूसरे बच्चों को फोन लगाओ। अरे ये किसका फोन आया? मैंने तो अभी तक अपना नंबर किसी को नहीं दिया। अरे तो इनकमिंग नंबर देखना। अरे बंद उठा फोन। तुमने मुझे फोन उठाने से क्यों रोका? अरे तू भूल गई वापस? जब भी हमारे घर में कोई नई चीज आती है तो दादी सबसे पहले उसकी पूजा करती है। यारे हमारे घर पे नया फ्रिज आया था, बाद में वॉशिंग मशीन आया था, फिर पापा का नया मोबाइल, अरे मेरी सुनने वाली मशीन। दादी पहले सब चीजों को टीका लगाती थी ना, बाद में तो हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैंने ये मोबाइल खरीदा थोड़ी है, मैंने तो उस कंपटीशन में जीता है ना, तो पूजा करने की क्या जरूरत है? देख इतनी देर से बेल बज रही है तो भी मैं नहीं उठा रही हूँ। अरे खरीदा नहीं तो क्या हुआ, नया तो है ना। ठीक है नहीं उठाती हूँ, लेकिन जब पूजा हो जाएगी तो मैं सारे कॉल उठाऊंगी और बहुत सारे कॉल करूंगी। हाँ मोबाइल उठा। हे ये मुसीबत, क्या मोबाइल? मर्जी होती है तो उठाते लोग, नहीं होती तो नहीं उठाते। बंद हो गया, अब किसी फ्रेंड का फोन होगा तो? अरे जब तुझे खुद का नंबर नहीं मालूम तो तेरे फ्रेंड को कैसे तेरा नंबर मालूम पड़ेगा? हाँ ये भी सही है। अभी चल। हाँ हो गया हूँ मैं परेशान। कर रहा दिल मेरा कि फेंक के मारूं इस फोन को इस पत्थर पे और कर दूं टुकड़े टुकड़े टुकड़े। अगर इस मोबाइल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझे? अगर एक बच्चा फोन नहीं उठा रहा है तो दूसरे को लगाओ। हाँ। और हाँ उस बच्चे को भी बार बार लगाते रहना। अभी नहीं उठा रहा है तो क्या हुआ, कभी तो उठाएगा। एक दो तीन। मेरे बर्थडे की तैयारी हो रही है ना? हाँ। पापा आपको पता है आज कंपटीशन हुआ स्कूल में और मैं उसमें जीत गई। अरे वाह, अरे वाह।
मेरी बिटिया कंपटीशन में जीत गई। मेरी बिटिया। अरे भाई बेटी किसकी है? महेश दंगली की। और तू बेटा किसका है? मेरा। हाँ लेकिन बाबूजी मैं तो हार्डली कोई कंपटीशन जीता हूँ। नहीं वाह वाह मेर बेटा वाह 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 मेर बेटू वाह वाह ऐसे ही कंपटीशन जीतती रहना। हाँ पर पापा आप खुश होने से पहले मेर की बात तो सुन लीजिए। सुन लिया है भाई सब सुन लिया है। मेरी बिटिया ने कंपटीशन जीती है। इसी तरह तरक्की करते रहना, इसी तरह आगे बढ़ते रहना। हाँ पर पापा इसे कंपटीशन में मोबाइल मिला है। मोबाइल? वाह क्या मोबाइल? मोबाइल हाँ वो भी लेटेस्ट वाला, आपसे भी 4 गुना महंगा। गलत बात है ये। मैंने क्या किया? मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? और आपने तो कहा था कि कंपटीशन होते रहने चाहिए और हमें जीते रहने चाहिए। बैठो। सॉरी। मेरे बेटे मोबाइल जो है वो बच्चों के किसी काम का नहीं। मोबाइल की वजह से बच्चों की पढ़ाई बिगड़ती है, समझ गई? हाँ। तो अभी के अभी उन लोगों को ये मोबाइल वापस कर देगी? नहीं। अरे नहीं पापा, ये मोबाइल मैंने जीता है तो मैं उनको वापस क्यों करूँ? मेहर बेटा अच्छे लोग जिद नहीं करते। तो पापा आप क्यों जिद कर रहे हो? मैं जिद कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ ना। मैं भी आपको समझा ही रही हूँ, आप समझ जाओ ना। मेहर क्यों भूल गया तू? तू भी तो जिद करता था जब बच्चा था। अरे एक बार तो तुम्हारे पापा ने ऐसी जिद की थी चाबी वाले बंदर के लिए कि रोते रोते पेड़ पे चढ़ गया। फिर मैं बाजार गया, चाबी वाला बंदर लेके आया, फिर ये बंदर पेड़ से नीचे उतरा था। क्यों भूल गया तू? इतनी हंसने की बात नहीं है क्या बापू जी? क्या बच्चों के सामने पुरानी बातें यहाँ लेके बैठे? अरे क्या बापू जी क्या, तेरे टाइम पे चाबी वाला बंदर था तो तू उसकी जिद करता था। अब इन बच्चों के टाइम पे मोबाइल आ गया है तो उनकी जिद करते। टाइम टाइम की बात है ना बेटा। मेहर बेटा पहले ये मोबाइल तुम मंदिर में रख दो, दादी उसकी पूजा करेगी, उसके बाद तुम इसका इस्तेमाल करना है। अरे मेहर मेहर मैं भी मोबाइल देखूंगा। अरे बाबूजी मम्मी आज आपने क्या क्या बनाया? पूरी खीर। वेरी गुड माँ, वेरी गुड। वेरी बैड मानव, अभी हाथ मत लगाना बेटा, ये खाना तभी बटेगा जब केक कटेगा। मम्मी पूरी एक ही चाहिए। मम्मी देखो ना मैं हाथ भी धो के आया हूँ। ठीक है बाबा एक ले लो। केक को बनाने के लिए इसे गर्मी देनी होगी, तब जाकर ये पकेगा और खाने लायक बनेगा। गर्मी? तो दे दीजिए इस केक को गर्मी और दीजिए इसे पका। हाँ डुबा डुबा एक, लेकिन उसके लिए तो एक बहुत बड़ा चूल्हा चाहिए जो हमारे परिलोक में है ही नहीं। बालपरी मैं जादू से एक बहुत बड़ा चूल्हा ले आऊं? अरे नहीं नहीं हमें चूल्हे की कोई जरूरत नहीं। मतलब जब तक गाल परी हमारे पास है तब हमें किसी भी चूल्हे की जरूरत ही नहीं है। क्यों गाल परी? हम कुछ समझे नहीं। समझाती हूँ, आप अभी परिबाग में जाइए और वहाँ धूप को अपने गालों में भर लीजिए और फिर धूप भरे गुब्बारे फुलाइए। समझ मैं खेल सारा, गाल परी फुलाएंगे और छोड़ूंगा मैं गुब्बारा। छोड़ेंगे वो परी बाग से गुब्बारे धूप से भर भर कर और फोड़ूंगा मैं गुब्बारा यहाँ और गिरेगी धूप इस केक के ऊपर और जाएगा पके केक। आएगा मजा बड़ा। ले आऊंगा मैं अपना तीर कमान और फोड़ूंगा गुब्बारा। ये दिए जनादन आया।
कौन है? अरे आप तो वो मोबाइल वाली आंटी हो, और आप वो भाई क्या ना सही तूने वो भोली भाली गुड़िया मम्मी है नहीं हम वो जो समझ रही थी तुम है, हम तो शिकारी और हो तुम हमारा शिकार वो भोली भाली गुड़िया। मम्मी पापा मुझे बचाओ। हमने तो बस दाने डाले थे, तुम जैसे कई बच्चे उन्हें खाने के लिए आ गए। तुम्हें दाने तो दिखाई दिए मगर हमारा जाल नहीं। मम्मी पापा मुझे बचाओ, ये कौन सी जगह है? आप लोग कौन है? है आज से यही तुम्हारा घर, और हूँ मैं यहाँ का मालिक। है मेरा मतलब कि परी भयंकर, परी भयंकर है यहाँ की मालिक, और हूँ मैं यहाँ का विशाल महाशक्तिमान समझदार अति सुंदर अति समझदार। और उनका चमचा तोबा। मुझे इधर नहीं रहना, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी पापा चुप रहो, अभी तो और बहुत सारे बच्चे बुलाने बाकी हैं। फोन लगाओ सबको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।